हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी एक ट्राइंगल का दो साइड 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका पॉसिबल थर्ड साइड क्या हो सकता है, ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में कहा गया है कि किसी भी एक ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। मतलब ये है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल का दो साइड ए और बी हो, ठीक है, और तीसरा साइड जो होगा वो ए प्लस बी जो होगा सी से बड़ा होगा। इसमें तीनों सिचुएशन ले सकते हैं, जैसे बी प्लस सी करेंगे तो ए से बड़ा हो जाएगा, या फिर ए प्लस सी करेंगे तो बी से बड़ा होगा। यह है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो इसी का यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने वाले हैं। टू साइड का सम अगर हम लोग करेंगे वो तीसरे से बड़ा होगा, तीसरा साइड कुछ भी हो, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों का सम होता है 29 और 29 से छोटा होने जा रहा है थर्ड साइड। तो इसका मतलब है कि थर्ड साइड ना तो 31 हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। उसी तरह 29 भी थर्ड साइड नहीं हो सकता है। तो फिर 6 या 4 दोनों में से कोई एक होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना वो तीसरे से छोटा होगा। दो साइड का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो तीसरे साइड से छोटा होगा। मतलब ये है कि a माइनस बी करेंगे ना तो c से छोटा होगा, या फिर a माइनस सी करेंगे ना तो b से छोटा होगा, या फिर b माइनस सी करेंगे ना तो a से छोटा होगा। मतलब तीन साइड अगर दिया हुआ है तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। उसी तरह हम लोग देखिए कि 17 माइनस 12 करेंगे तो छोटा होगा थर्ड साइड से, ठीक है। तो 17 माइनस 12 होता है 5, और 5 से बड़ा होना चाहिए तीसरा साइड। तो इसीलिए तीसरा साइड क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।